हेलो स्टूडेंट, तो अभी हमारा चल रहा है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझ रहे हैं कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीज़ होना चाहिए और कितने टाइप के ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं बेसिकली ड्राइंग सी बनाने के लिए। तो देखो, नेक्स्ट हमारा है सेट स्क्वायर। इससे पहले हम लोग देखा था टी स्क्वायर के बारे में समझे थे कि टी स्क्वायर से जैसे हॉरिजेंटल लाइंस यूज कर सकते हैं हम लोग, और उससे पहले हम लोग मिनी ड्राफ्टर देखा था जो कि कॉम्बिनेशन था दो तीन इंस्ट्रूमेंट का। अगर आप मिनी ड्राफ्टर यूज करते हो तो वो यूज कर सकते हो, जैसे मिनी ड्राफ्टर, सेट स्क्वायर और कंपास, तीनों का क्या था, वो कॉम्बिनेशन था कि अगर आप मिनी ड्राफ्टर में हो तीनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं एक ही इंस्ट्रूमेंट से, जो कि क्या था, मिनी ड्राफ्टर। अगर आपके पास घर में मिनी ड्राफ्टर यूज कर लेते हो या फिर कॉलेजेस में, तो आपको इन तीनों चीज़ की बहुत कम ज़रूरत रहती है। ज़रूरत रहती है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरत नहीं रहेगा, कम यूज होगा। ठीक है, अगर आप फ्रिक्वेंटली डायग्राम बना रहे हैं तो आप मिनी ड्राफ्टर यूज कर ही लेना चाहिए, क्योंकि बार बार अलग अलग इंस्ट्रूमेंट चेंज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो मिनी ड्राफ्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था ड्राइंग शीट बनाने के लिए। अब बात करते हैं सेट स्क्वायर की। तो देखिए, सेट स्क्वायर क्या होता है, ये आपको दो वेरिएंट में अवेलेबल रहता है। एक रहता है आपका 45 डिग्री का और दूसरा रहता है 30-60 का। ठीक है, एक 45-45 का रहेगा और दूसरा 60-30 का रहता है। तो ये दो टाइप के अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, अब लेकिन इसमें लेंथ अलग अलग हो सकता है। बेसिकली लेंथ रहता है आपका 200 mm और 250 mm का आपको मार्केट में अवेलेबल रहता है। लेकिन अगर आप बड़ा सा ड्राइंग बना रहे हो तो इसका जो आपको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देखे होगे तो छोटा छोटा सा रहता है सेट स्क्वायर। लेकिन अगर आप बड़ा सा ड्राइंग यूज कर रहे हो तो आपको बड़ा सा सेट स्क्वायर दिखेगा, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा बड़ा सा। ठीक है, तो ये होगा, ये आपका दो वेरिएंट में अवेलेबल है, एक 45 डिग्री एक 30-60 डिग्री। आप यहाँ से डायरेक्ट 90 डिग्री और ये 60 डिग्री का फ्रिक्वेंटली डायग्राम है वो एंगल बना सकते हो इससे सेट स्क्वायर से। या फिर अगर आपको पैरेलल लाइंस लेने हैं, जैसे मान के चलो इसके लाइन के कोई पैरेलल ले जाना है, तो दो सेट स्क्वायर को यूज करके आप डायरेक्ट इसको, इस लाइन को यहाँ पर भी ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, कैसे यूज कर सकते हैं, करते हैं वो हम लोग अगर ड्राइंग शीट बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा, या फिर मैं बताऊंगा बोर्ड के ऊपर कि कैसे दो इसको सेट स्क्वायर को यूज करके हम इस लाइन को ट्रांसलेट कर देते हैं इस पॉइंट पे। क्लियर है, एकदम सेम पैरेलल लाइन यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, अगर मान के चलो किसी फोर्स का डायरेक्शन यहाँ दिखाना है, तो अगर इसको ट्रांसलेट करना चाह रहे हो इस पॉइंट पे पैरेलली, तो यहाँ पे वो ट्रांसलेट हो जाता है सेम इसी पॉइंट से। ठीक है, चलो, तो ये तो सेट स्क्वायर का यूज है, कैसे कैसे भी यूज कर सकते हैं हम लोग इसका, एंगल के लिए यूज कर सकते हैं, पैरेलल लाइंस के लिए यूज कर सकते हैं। चलो देखो, यहाँ पे सेट स्क्वायर यूज टू कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राइंग ऑल स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको ड्राइंग ऑल स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट द हॉरिजेंटल लाइन। देखो, हॉरिजेंटल लाइन क्यों नहीं कर सकते हैं, आर यूजुअली टी स्क्वायर के लिए यूज। देखो, हॉरिजेंटल लाइन क्यों नहीं करते हैं इसको, क्योंकि देखो अगर आपके पास टी स्क्वायर नहीं है, मान के चलो टी स्क्वायर नहीं है, अगर आप इसको प्लेस कर रहे हो ड्राइंग शीट के ऊपर, तो आप बिल्कुल 90 डिग्री पे मैनुअली नहीं कर सकते हो। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज हो सकता है, जैसे 98 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये जो एंगल बता रहा हूँ ये 90 डिग्री थोड़ा सा डेविएट कर जाएगा इस पॉइंट से इधर, या फिर इधर डेविएट कर सकता है। क्लियर, ये अगर आपके पास एक टी स्क्वायर के यूज से हॉरिजेंटल लाइन ले लिए, उसके ऊपर इसको प्लेस कर दिए, ऐसे प्लेस कर दिए हो, तब आप यहाँ से वर्टिकल लाइन ले सकते हो आराम से। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। लाइन आर यूजुअली ड्रॉन बाय द टी स्क्वायर, जैसे कि आप लोग टी स्क्वायर से देख ही लिए थे, पिछले फिगर भी दिखाया था आपको। इट इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट सीट, इट इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट सीट ऑफ सेलुलस और प्लास्टिक मटेरियल से, दोनों से बनता है, एक से सेलुलॉइड से बनता है और दूसरा प्लास्टिक मटेरियल का बना रहता है इन वेरियस साइज का। ये साइज यहाँ पे अलग अलग मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट, दे आर अवेलेबल इन शेप ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल के फॉर्म में रहता है, विथ वन राइट एंगल कॉर्नर, एक जो कॉर्नर रहता है, ये जो कॉर्नर है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर का, ये जो कॉर्नर, ये क्या रहता है, राइट एंगल पे, यानी कि 90 डिग्री पे रहता है, और दोनों क्या रहता है, और अलग अलग रहता है, ये जो दोनों 45 है तो ये भी 45 ही होगा। ठीक है, 45 डिग्री में अवेलेबल है, दूसरा किस में अवेलेबल है, 30 और 60 में अवेलेबल रहता है, जो कि साइज रहता है 200 और 250 लेंथ का अवेलेबल इन द मार्केट फॉर ऑर्डिनरी वर्क। कोई भी आप अगर जनरल वर्क कर रहे हो तो ये दो इतने एमएम का मिल जाता है आपको, 200 mm का और 250 mm का। तो ये समझ गए, सेट स्क्वायर का यूज भी समझ लिए, क्या कहाँ यूज कर सकते हैं इसको, क्या कर सकते हैं, दो मेनली यूज है, एक वर्टिकल लाइन, अगर आपके पास ओरिजेंटल लाइन है तो वर्टिकल, और सम एंगल ले सकते हैं यहाँ से
30 डिग्री और 60 डिग्री का और 45 डिग्री का, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसको, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमका ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, जो आप ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स यूज करते हैं वहाँ पे मेनली कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज रहते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या रहता है, एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आर यूज फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आपको रखना चाहिए ये वाले, ये जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है वो तो नेसेसरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ड्राइंग बनाने जा रहे हो तो ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आपको, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो इसमें फर्स्ट क्या रहता है आपका, कंटेनिंग अ लार्ज कंपास रहता है आपके पास, ठीक है, ये कंपास है, बो कंपास रहता है और लार्ज डिवाइडर भी रहता है और बो डिवाइडर रहता है और इंकिंग पेन, पेंसिल हेड, ये सब एक्सेट्रा बहुत सारे। अगर जनरली आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खोलोगे तो आपको इतना चीज़ दिखता है, ठीक है, ये भी रहता है। देखो बो डिवाइडर नहीं रहता है और बो कंपास भी किसी किसी के पास नहीं रहता है, लेकिन आपको कंपास सिंपल वाला दिख जाएगा, ठीक है, सिंपल कंपास दिख जाएगा और ये डिवाइडर मिल जाएगा, ठीक है, ये डिवाइडर है, क्लियर। ये है हाफ लेंथ पेंसिल चाहिए आपको, सेट स्क्वायर चाहिए 45 और 30-60 का, ये क्या है 60 डिग्री वाला, ये क्या है 45 डिग्री, और प्रोटेक्टर चाहिए जो कि इस पर 180 डिग्री तक का एंगल इस पर मार्क किया रहता है, ठीक है, इस पर क्या रहेगा 180 डिग्री का एंगल मार्क किया रहेगा, यहाँ से जीरो स्टार्ट होगा, जीरो से 30, 60, 40, ऐसे 10 से उतना भी एंगल रहता है, 1, 2, 3, 4, 5 ये रहता है, आपको जितना चाहिए वो यहाँ से 90 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 180, ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट कितना बन जाएगा 180 डिग्री, क्लियर। चलिए और क्या चाहिए, शार्पनर चाहिए, और क्या शार्पनर चाहिए, चाइल्ड सेफ इरेजर चाहिए थोड़ा सा। अब देखो इरेजर में भी बहुत सारे क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, तो आप सिंपल रबर का ही रहता है, ठीक है, क्योंकि कोई कोई इसको माउथ में भी ले लेते हैं इसको, ठीक, तो ये क्या होता है रबर का ही होना चाहिए। और क्या, एक स्केल होता है जो कि किस पे कितने का रहेगा, 15 सेंटीमीटर का रहेगा। तो ये आपको जनरली अगर आप यूज कर रहे हो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स तो आपको इतना चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के लिए, जो जनरली आप लोग मार्केट में देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है आपका अदर मिसलेनियस इंस्ट्रूमेंट, और क्या क्या हो सकता है यूज करने के लिए हमारा ड्राइंग शीट पे बनाने के लिए, और क्या क्या चीज़ देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रहता है मेनली, ये देखो पेंसिल, फ्रेंच कर्व, और ये क्या रहता है सर्कल मास्टर, ठीक है। देखो तो ये इस पर डायमेंशन दिया गया है, डायमेंशन कहने का मतलब ये थे 1 mm का, 2, 1.5, 2, 2.5, 3, इस तरीके से इस तरीके का आप यहाँ पे रेडियस दिया गया रहता है, रेडियस इस पर दिया गया है या फिर डायमीटर दिया गया है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा, कहीं कहीं इसका रेडियस दिया रहता है और कहीं पे दिया गया रहता है इसका डायमीटर का साइज दिया गया रहता है। देखिए रेडियस कहने का मतलब मान के चलो ये सर्कल है, तो इस सेंटर पॉइंट्स का दिया रहता है कि 15 सेंटीमीटर का है या फिर ये टोटल 15 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो अलग अलग जो सर्कल मास्टर होता है वहाँ पे अलग अलग रहता है, आप एक बार चेक कर लो कि यह रेडियस दिया गया है इसका या फिर उसका डायमीटर दिया गया है, क्लियर। तो ये मेन है। अब देखो क्या क्या चीज़, पेंसिल, अब पेंसिल को थोड़ा समझ लेते हैं। देखो पेंसिल बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको ड्राइंग शीट बनाने के लिए, कहीं पे आपको चाहिए सॉफ्ट चाहिए या कहीं चाहिए आपको हार्ड पेंसिल की ज़रूरत पड़ता है। तो देखो यहाँ पे अगर आप बी से स्टार्ट करोगे, बी, एच बी, एफ, और ये अगर आपको बहुत ही हल्की चाहिए, ठीक है, हल्की चाहिए मतलब फेंट चाहिए, तो क्या चाहिए आपको, वेरी सॉफ्ट, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। देखो 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 8B, ये क्या होता है, वेरी सॉफ्ट होता है, ठीक है। सॉफ्ट कहने का मतलब अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो तो बहुत ही हल्की चलेगी, ठीक है। और मीडियम सॉफ्ट में B से स्टार्ट होता है, अगर मेनली आप लोग बच्चे जो यूज करते हैं यही यूज करते हैं, मीडियम सॉफ्ट यूज कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, एच बी कर सकते हैं, बेसिकली जो हमारा यूज होता है नॉर्मल आपको जो मार्केट में अवेलेबल रहता है वो एच बी पेंसिल ही यूज रहता है, ठीक है। एच बी यूज कर सकते हैं, एफ, एच, 2H, 3H, ठीक है, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और जो वेरी हार्ड चाहिए, बिल्कुल डार्कनेस चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ से 4H से स्टार्ट कर सकते हो, 4H, 5H, 6H, 7H, तो इस तरीके से पेंसिल का वेरिएंट होता है, ठीक है। बेसिकली देखो ये भी यहाँ पे लिखा गया है, एच बी पेंसिल का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, जनरली एच बी, लेकिन आपको हल्की लाइन बनाने के लिए आपको कम से कम ये 2B का पेंसिल यूज कर लेना और एक एच बी का पेंसिल यूज करना, ठीक है। फेंट के लिए, फेंट यानी हल्की के लिए आप 2B, और डार्क के लिए थोड़ा सा एच बी यूज कर लेना। और बहुत डार्क चाहिए, जैसे बॉर्डर लाइन हम लोग बनाते हैं तो वो किससे बनाते हैं, डार्क पेंसिल से, ठीक है,
इससे भी बना सकते हो, लेकिन वेरी हार्ड यूज करोगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए पेंसिल के बारे में। अब देखिए प्लास्टिक टेप चाहिए आपको, क्यों? क्योंकि आप जो भी ड्राइंग शीट है उसको क्या करने के लिए, फिक्स करने के लिए, ड्राइंग शीट ड्राइंग बोर्ड के ऊपर फिक्स करने के लिए आपको प्लास्टिक टेप चाहिए। ठीक है, फ्रेंच कर्व, देखो फ्रेंच कर्व क्यों यूज किया जाता है कि मान के चलो एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है और आपको कभी इस एंगल से ऐसे कुछ मिलाना रहता है, ठीक है, तो आप बहुत सारे यहाँ पे कर्व रहते हैं, इस पॉइंट से ऐसे मिलाना है ऐसे मिलाना है, इसको भी जितना भी कर्व दिख रहा है ये अलग अलग आर्क से बना रहता है, ऐसे ये रहता है, कुछ इधर रहता है, कुछ कम रहता है, कुछ ज़्यादा रहता है, तो इस तरीके से डायरेक्ट आप फ्रेंच कर्व का यूज करके यहाँ से ऐसे बना सकते हो, आर्क बना सकते हो, क्लियर। और आर्क तो मान के चलो दो पॉइंट पे होता है, इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन ये जो फ्रेंच कर्व रहता है वो देखो हर एक जगह से हो सकता है, कुछ इधर से भी हो सकता है, वो क्या हो रहता है कि यहाँ से चेंज होते रहता है, ठीक है, जैसा आपको चाहिए उस तरीके से आप यूज कर सकते हो, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सर्कल मास्टर। सर्कल मास्टर आपको बताया दिया कि अलग अलग डायमीटर पे दिया रहता है या फिर रेडियस पे दिया रहता है, और लास्ट वन जो है आपका वो है आपका ड्राइंग नोटबुक, कि नोटबुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हर एक डायग्राम मान के चलो कुछ रफ डायग्राम बनाना है तो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर पहले, ड्राइंग नोटबुक के ऊपर पहले बना के देख सकते हो, उसके बाद आप ड्राइंग शीट के ऊपर बनाना, ठीक है, तो पहले रफ स्केचिंग के लिए हम लोग ड्राइंग नोटबुक का यूज करते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमारा जितना भी इंस्ट्रूमेंट था, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम लोग ड्राइंग शीट बनाने के लिए, तो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट बेसिकली यूज होते हैं, ठीक है, और भी होते हैं बहुत सारे, तो इतने ही में आपका काम चल जाएगा, ठीक है, जितना इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाया इतने में आप लोग एक ड्राइंग शीट अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं, क्लियर। चलिए ठीक है, थैंक यू, इस सेशन में हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे देखेंगे, ठीक है, थैंक यू।